Dear students, today we have to discuss about the topic scientific notation. Friends, why we require scientific notation? So, in chemistry, sometimes numbers are, there will be very large number, like Avogadro number, either mass of the electron, mass of hydrogen, speed of the light, right? Speed of the light have a large number, but mass of electron, mass of hydrogen, mass of proton have a very smaller number, right? So if we want to represent it this mass, we have to go with scientific notation. Okay friends, scientific notation mein kya karna padega? The exponential notation ye form mein lana padega. N into 10 raised to n, n into 10 raised to n. जो ऊपर का n है एक्सपोनेंट है, एन एक्सपोनेंट हैविंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज. एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या क्या हो सकता है दोस्तों? पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, राइट? व्हाइल दिस कैपिटल n इंडिकेट्स व्हाट नंबर कॉल डिजिट टर्म्स व्हिच वेरीज बिटवीन 1.000 टू 9.999. ये बीच के अंदर ही ये वैल्यू रहेगा किसका? n का, कैपिटल n का. और स्मॉल एन क्या हो सकता है? पॉजिटिव आइदर नेगेटिव. अब ये वैल्यूज किस तरह से आएगा उसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं. तो फ्रेंड्स, सपोज मेरे पास एक नंबर ऐसा है 1.2.3.6.8, ये नंबर है, उसको मेरे को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक दैट डेसिमल कहाँ पे है. तो ये आपका डेसिमल है, ये डेसिमल को आपको ये फॉर्म में लाने का 1.000 टू 9.999 इसके बीच में लाने का. मतलब ये डेसिमल को आप एक और दो स्टेप लेफ्ट साइड मूव करेंगे. कितने स्टेप? दो स्टेप लेफ्ट साइड मूव करेंगे, इसलिए आपके पास अब हो जाएगा ऐसा 1.2368. अब कितने स्टेप लेफ्ट साइड है दोस्तों? आप दो स्टेप, तो यहां पे लिखेंगे 10^2. क्या लिखेंगे? 10^2. ये आपका पहला एग्जांपल हुआ. एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 79684.32. अब ये रहा आपका डेसिमल, ये डेसिमल को आपको फर्स्ट नंबर तक लाने का है. तो क्या करेंगे? ऐसे काउंट करने का, 1, 2, 3, 4. कितने स्टेप लेफ्ट साइड आए? 4 स्टेप. तो इज इक्वल टू करके क्या लिखूंगा? 7.9684.32. यहां से 1, 2, 3, 4 स्टेप लेफ्ट साइड आया, तो 10^2 कितना पावर करने का? पॉजिटिव 4. उसका मतलब क्या हुआ? इफ द डेसिमल मूव्स लेफ्ट साइड, वी हैव टू इंडिकेट पॉजिटिव पावर. समझ में आई बात? और एग्जांपल देखते हैं. सपोज मेरे पास ऐसा एक एग्जांपल है 0.00709. तो अब क्या करूंगा? ये रहा आपका डेसिमल, उसको फर्स्ट डिजिट तक लेके जाऊंगा, फर्स्ट नंबर तक. तो यहां से 1, 2 और 3 नंबर राइट साइड मूव किया मैंने, तो ना क्या हो जाएगा? 7.09 × 10^-3. राइट साइड गया डेसिमल, अगर राइट साइड मूव होता है तो माइनस पावर करने का, लेफ्ट साइड मूव होता है तो क्या करने का? प्लस पावर. एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 0.00001603 ऐसा है. तो ये रहा आपका डेसिमल. आप यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप राइट साइड गए डेसिमल को, ये नंबर इसके अंदर लाने के लिए. इसलिए क्या हो जाएगा? 1.6032 × 10^2. यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10^-6. Is that clear, friends? तो इस तरह से ये scientific notation आपको करने का है. By this method you have to do what? Scientific notation. अब आपको कुछ practice करने का है. ये समझने के बाद आपको कुछ numerical में यहाँ practice के लिए देता हूँ. जैसे 0.0893, उसको आपको scientific notation में लिखने का है. दूसरा वैल्यू है 3 to 4.4, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का है. फिर
62.79, इसको भी आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का है, 0.010007, इसको भी आपको क्या लिखने का है साइंटिफिक नोटेशन में। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करने का है। अब हम ये जो नंबर्स है उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बात करेंगे। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। याद रखो, इसके लिए क्या करने का, तो कोई भी आपको नंबर दिया हो उसको n इंटू 10 इंटू n फॉर्म में लाने का। ये जो ऊपर का स्मॉल n है वो आपका एक्सपोनेंट है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब डेसिमल लेफ्ट साइड मूव होगा तो पॉजिटिव पावर होगा, और डेसिमल अगर राइट साइड मूव होगा तो नेगेटिव पावर होगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव पावर क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि आपको जो नंबर दिया है वो नंबर को आप 1.0002 9.999 के बीच में लाने का ट्राई करते हो, इसलिए आपको डेसिमल को मूव करना पड़ता है, बराबर। तो इस तरह से दोस्तों टॉपिक की बात यहाँ पे खत्म हुई। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द नंबर्स। नंबर्स का क्या देखने का है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पे कुछ हम एक्सरसाइज देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे मेरे पास एक नंबर है 4.7 into 10 raised to 4 plus 5.3 into 10 raised to 5, ऐसा है, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। 4.7 into 10 raised to 4 into 5.3 into 10 raised to 5, दोस्तों 8, 7 और 8 स्टैंडर्ड के अंदर हम सीख गए हैं कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू करके क्या लिखूंगा, 4.7 इंटू 5.3 दिस मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 4 प्लस 5, जो पावर था एक्सपोनेंट था उसका मैंने क्या किया, एडिशन किया। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा, तो यह होगा 4.7 इंटू 5.3, तो यह हो गया आपका 24.91, 10 रेज टू 4 प्लस 9 हो गया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का, जो भी हम आगे पढ़ चुके हैं, तो डेसिमल को आप यहाँ एक लेफ्ट साइड मूव करो तो आंसर हो जाएगा 2.491, एक साइड मूव हुआ तो 10 रेज टू 1 इंटू 10 रेज टू 9, बाकी से दोनों का एडिशन, तो फाइनल आंसर इज 2.491 इंटू 10 रेज टू 10, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया, क्या किया, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखा और ये पावर का एडिशन किया। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही आया, एक डेसिमल लेफ्ट साइड आया, इसका पावर 1 हुआ, ये दोनों का एडिशन था 9 और ये दोनों का एडिशन होगा 9 + 1 = 10। एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, 7.3 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 इंटू 6.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 5। अब माइनस पावर है तो दोस्तों सेम प्रोसीजर फॉलो करने का, 7.3 इंटू 6.4 करूंगा इंटू 10 रेज टू माइनस 4 प्लस माइनस 5। अब ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 9 और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा फ्रेंड्स, तो 7.3 मल्टीप्लाई बाय 6.4, तो ये आंसर हुआ 46.72। अब ये डेसिमल को लेफ्ट साइड ले लो तो 4.672 इंटू 10 रेज टू 1 और आगे था 10 रेज टू माइनस 9। अब फाइनल आंसर क्या होगा, तो 4.672 ये 1 और ये माइनस 9, तो आंसर हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 8, 10 रेज टू 4 माइनस 8। तो दोस्तों अगर यहां पे ये माइनस माइनस की जगह पे यहां प्लस होता तो क्या होता, ये प्लस हो जाता तो 5 प्लस 4 यहां पे क्या हो जाता, प्लस 1 हो जाता, और ये प्लस 1 हो जाता तो यहां फाइनल आंसर आपका हो जाता 2। तो वेरिफिकेशन कोई भी जगह पे कर सकते हैं, वो हिसाब से आपको न्यूमेरिकल में
आगे बढ़ने का रहेगा। ओके, तो ये था किसके बारे में बात दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात आपको प्रैक्टिस करने का रहेगा। 73.2 × 10⁴ एंड 1.2 × 10�³ बराबर, ये फर्स्ट वन। और दूसरा 9.67 × 10⁶ इंटू 4.23 × 10⁪ बराबर, ये दोनों यहाँ माइनस टू कर देता हूँ। चलो, तो ये दोनों का आपको क्या करने का है दोस्तों, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करके आंसर लाने का है। इज इट क्लियर? ये हुआ मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात। अब दोस्तों हम डिवीजन के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये जो सेम क्वेश्चन है उसका मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की जगह पे डिवीजन का सिंबल कर देता हूँ। सेम क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन की जगह पे क्या दोस्तों, डिवीजन, और ये सिमिलर माइनस फाइव। तो क्या होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। इज इक्वल टू 4.7 × 10⁴ डिवाइडेड बाय 5.3 × 10⁵। अब डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर पावर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10⁴ - 5। और ये दोनों का डिवीजन क्या होगा, तो 4.7 डिवाइडेड बाय 5.3, तो ये आंसर हो गया 0.8867। अब ये डेसिमल को एक राइट साइड मूव करो तो ये हो जाएगा 8.867 × 10⁻¹। राइट साइड मूव करेंगे तो माइनस पावर, लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो प्लस पावर, बराबर। और यहाँ हो जाएगा ये दोनों का एडिशन 10⁻¹। तो फाइनल आंसर इज 8.867 × 10⁻²। अब ये दोनों का एडिशन हो जाएगा। समझ में आई बात? ओके, सिमिलर क्वेश्चन आपके सामने है ये। तो 7.3 × 10⁻²⁴ डिवाइडेड बाय 6.4 × 10⁻¹⁵। अब क्या होगा, माइनस पावर जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ प्लस 5, और ये दोनों का डिवीजन करते हैं 7.3 डिवाइडेड बाय 6.4, तो आंसर हो जाएगा 1.140। तो फाइनल आंसर इज 1.140 × 10⁻¹। समझ में आया दोस्तों? तो जैसे मल्टीप्लीकेशन किया ऐसे ही डिवीजन, लेकिन डिवीजन में जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है तो उसका पावर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात हो गई मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के बारे में। अब इसका प्रैक्टिस करेंगे होमवर्क के अंदर। पहला क्वेश्चन, 7.3 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 3.4 × 10�³। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन 1.32 × 10�³ डिवाइडेड बाय 2.23 × 10⁵ बराबर फ्रेंड्स। तो ये दोनों आपको प्रैक्टिस करने का है, इस तरह से गिनने का है। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। Now students, we have to discuss about the addition and subtraction. जैसे अभी हमने आगे का टॉपिक कौन सा देखा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, अब हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से देखने का है। सपोज ऐसा है 6.7 × 10⁴ प्लस 3.7 × 10⁵। अब दोस्तों सिंपल एडिशन का है तो ये दोनों में से जो जितना पावर कॉमन बाहर निकल सकता है वो निकाल दो। तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे 6.7 प्लस 3.7 × 10⁹, ये दोनों में कॉमन पावर है 10⁴। 10⁴ कॉमन है, निकल गए बाहर। अब यहाँ 10⁵ बाकी रहा, तो 10⁵ को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 6.7 प्लस यहाँ हो जाएगा 37.0 × 10⁴। अब ये दोनों का एडिशन करो तो क्या होगा, पॉइंट के बाद 7 + 0 7,
7 प्लस 6 क्या होगा 13 कैरी 1 3 प्लस 1 4 इनटू 10 इज टू 4 अब ये डेसिमल को एक लेफ्ट साइड ले लो तो क्या होगा 4.37 इनटू 10 इज टू 1 इनटू 10 इज टू 4 तो फाइनल आंसर 4.37 इनटू 10 इज टू 5 ये हुआ आपका एडिशन फिर से ये दो नंबर थे हमने चेक किया ये 10 इज टू 4 10 इज टू 5 तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा 10 इज टू 4 स्मॉलर नंबर है तो वो कॉमन निकल जाएगा बराबर तो क्या हुआ मैंने 10 इज टू 4 कॉमन निकल लिया तो यहां बाकी रहेगा 6.7 और इसमें से 10 इज टू 4 बाहर गया तो बाकी रहा 10 इज टू 1 10 इज टू 1 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 37 ये दोनों का एडिशन किया मैंने देखा कि डेसिमल अभी एक राइट साइड है उसको मैं लेफ्ट साइड पे लाया अगर डेसिमल लेफ्ट साइड पे जाता है तो साइंटिफिक नंबर में हम क्या सीखे थे पावर पॉजिटिव करने का 10 इज टू 1 लिख दिया और ये 10 इज टू 4 ओके यही एग्जांपल को मॉडिफाई करके अगर यहां 10 इज टू 5 की जगह पे 10 इज टू 3 होता तब ये दोनों में से कॉमन क्या निकलता पावर तो यहां 10 इज टू 3 बाहर निकलता तो ये जो ब्रैकेट है वो आपका रहेगा क्या 3.7 और यहां हो जाएगा 6.7 * 10 इज टू 1 तो अब ये हो जाएगा आपका 67.0 और ये रहेगा आपका 3.7 अब ये दोनों का एडिशन करो तो ये आपका 10 इज टू 3 जो बाहर है वो कॉमन रहेगा 7 प्लस 0 7 7 प्लस 3 10 कैरी 1 70.70 एक डेसिमल लेफ्ट साइड ले लो आपका आंसर हो जाएगा 7.07 * 10 इज टू 1 और 10 इज टू 3 तो टोटल आंसर हो जाएगा आपका 7.07 * 10 इज टू 4 तो देखो ऐसा चेंज किया तो अपने को एक हिसाब से डिफरेंस मिला समझ में आई बात दोस्तों तो ये बात हुई किसके बारे में फ्रेंड्स एडिशन के बारे में अब हम यही बात करेंगे किसके बारे में सबट्रैक्शन के बारे में तो यहां पे ये जो पावर है उसमें प्लस की जगह पे मैं माइनस कर देता हूं प्लस की जगह पे क्या कर दिया दोस्तों माइनस तो अब क्या होगा तो इसमें से कॉमन निकलेगा क्या तो 6.7 * 10 raised to 1 यहां 3.7 और यहां कॉमन निकलेगा 10 raised to 3 बराबर 10 raised to 1 को मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया आपका 67.0 - 3.7 * 10 raised to 3 बराबर अब ये दोनों का सबट्रैक्शन करो तो यहां हो जाएगा 6 यहां एक कैरी ले लो तो 10 - 7 क्या होगा 3 6 - 3 3 और ये 63 10 raised to 3 और ये डेसिमल जो यहां पे उसको एक लेफ्ट साइड ले लो तो हो जाएगा क्या 6.33 * 10 raised to 1 * 10 raised to 3 तो फाइनल आंसर इज 6.33 * 10 raised to 4 समझ में आई बात ओके दोस्तों अब यहां पे सपोज मेरे पास नेगेटिव पावर है यहां -4 है और यहां -3 है तो क्या होगा तो सिमिलर यहां होगा 6.7 * 10 raised to -4 3.7 अब बाहर निकलेगा 10 raised to -3 बाहर निकल गया बराबर -4 की जगह पर हो जाएगा यहां -1 क्योंकि -3 बाहर चला गया बराबर अब 10 raised to -1 को मल्टीप्लाई कर दो ये होगा 0.67 -3.7 * 10 raised to -3 बराबर तो अब दोस्तों इसका सबट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा तो करके देखो बड़ी 3.7 माइनस पॉइंट 3.7 माइनस पॉइंट 67 तो यहां -3.03 * 10 raised to -3 आपको पता है सबट्रैक्शन में जो बड़ी वैल्यू है उसका ही सिंबल आएगा तो -3.03 * 10 raised to -3 अगर मैं यहां पे ऐसा कर देता 10 raised to क्या -5 तो अब क्या हो जाएगा यहां -4 कॉमन निकलता 10 raised to -4 कॉमन निकलता तो यहां हो जाता क्या -3.7 * 10 raised to -1 तो यहां पे हो जाता आपका 0.37 ये होगा 10 raised to -4 और ये होता आपका 6.7 अब ये दोनों का सबट्रैक्शन करो आप तो क्या होता 6.7 - 0.37 तो आंसर विल बी
क्या है आपका 6.7 माइनस 0.37, तो आंसर क्या आएगा 6.33 इनटू 10^-4। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। आपको होमवर्क प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूं फ्रेंड्स, क्या तो नंबर वन 7.9 इनटू 10^4 प्लस 8.3 इनटू 10^5 इसका सब्ट्रैक्शन एडिशन करने का, और दूसरा 3.9 इनटू 10^-2 प्लस 9.3 इनटू 10^-1 बराबर, इसका आपको क्या करने का एडिशन बराबर दोस्तों, और यही दोनों में यहाँ प्लस की जगह पे क्या करने का माइनस करके आपको सब्ट्रैक्शन करने का है। इसे क्लियर, तो जैसे मैंने समझाया उस तरह से फॉलो करने का फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।